प्रेगनेंसी के दौरान हमारे निप्पल्स का कलर डार्क क्यों हो जाता है, ये किस बात का संकेत है, क्या हम इससे पता लगा सकते हैं गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है, इस तरह की बातें कई लोग करते हैं। तो आज हम जानेंगे इन बातों में कितनी सच्चाई है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। देखिए, प्रेगनेंसी में निप्पल ही नहीं बल्कि हमारे बॉडी के और भी पार्ट डार्क होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हमारी नेक जो है, गर्दन जो है, हल्की हल्की काली होना शुरू हो जाएगी, फेस में भी हमारा हल्का डलनेस आ जाता है। इसके अलावा हमारे पेट में जो लाइन बनती है, लिनिया निग्रा, वो भी डार्क आपको दिखेगी। इसके अलावा आपके प्राइवेट पार्ट भी आपको डार्क दिखना शुरू हो जाएंगे, तो वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने के कारण होता है, जो कि प्रेगनेंसी के लिए एक जरूरी हार्मोन होता है। देखिए, ये जो हार्मोन होते हैं वो ब्रेस्ट में आपको दूध बनाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि बच्चा आने वाला है उसके लिए ये हेल्प करते हैं। और जब ये हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में, मेलानिन की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिस कारण कि हमारे बॉडी पार्ट्स का जो कलर है वो कुछ कुछ जगहों पे डार्क दिखना शुरू हो जाता है ना। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, और जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है धीरे धीरे ये आपका पहले की तरह नॉर्मल कलर में आना शुरू हो जाता है ना। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसको आपको प्रॉब्लम नहीं समझना चाहिए, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, अपने आप डिलीवरी के बाद ठीक हो जाता है। और दूसरी बात, कई लोग कहते हैं कि क्या हम इससे पता लगा सकते हैं कि गर्भ में पल रहा लड़का है या फिर लड़की है। देखिए, कई लोग ये बात करते हैं कि निप्पल्स का कलर अगर डार्क हो रहा है तो गर्भ में पल रहा लड़का होगा, अगर हल्का है तो वो गर्भ में पल रही लड़की होगी। तो इसमें कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, कोई भी रिसर्च ऐसी नहीं देखी गई है जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि डार्क होगा तो लड़का होगा, निप्पल्स का कलर हल्का होगा तो लड़की होगी, है ना। ये सिर्फ हार्मोनल चेंजेस के वजह से होता है, आपके निप्पल का कलर डार्क होना ये हर महिला को देखने को मिलता है, उनके प्राइवेट पार्ट, नेक वाली एरिया में या फिर फेस में भी डलनेस उनकी आ जाती है प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस के वजह से, जो एक नॉर्मल प्रोसेस है, और डिलीवरी के बाद ही अपने आप पहले के कलर में आ जाता है। तो इससे हम नहीं पता लगा सकते हैं कि गर्भ में पल रहा लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे और आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो इसी तरह की वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे कि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि आगे भी मैं इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो लाने वाली हूँ जो कि आपको प्रेगनेंसी में या फिर आफ्टर डिलीवरी हेल्प करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा जिससे कि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।